हाय एवरीवन, माय फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आने के चलता हूँ मैं आपका अपने खेत की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को अपना खेत दिखाऊंगा कि मेरा खेत कितने कितना है और मेरे खेत में क्या क्या उगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए कि मैं ऐसे ही आपके लिए ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए खेत की तरफ चलते हैं। मैं अपने खेत में आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए प्याज है, यहाँ पर प्याज की बेंगा है, जो बेंगा होता है प्याज का। तो फ्रेंड्स, ये अभी उखाड़ा जाएगा इसको और इस खेत में देखिए रोपा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, और यहाँ पर देखिए लहसुन का पेड़ है। तो फ्रेंड्स देख लिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर लहसुन जो होता नहीं है, जो मतलब मीट और बकरे वकरे में डाला जाता है वही है। तो फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए टमाटो। तो फ्रेंड्स देखिए, टमाटो का पेड़ यहाँ पर है, टमाटो का। अभी टमाटो एक भी फरा नहीं है। और यहाँ पर देखिए धनिया का पेड़ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वो जो बाँस नहीं लग रहा है, उस बाँस से इधर ही मेरा खेत है। मेरा खेत भी ज़्यादा नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सरसों जो है, ये मेरा ही सरसों है फ्रेंड्स। देखिए आपको जितनी सी सरसों लग रही है, ये नहीं, सिर्फ इतना ही मेरा सरसों है, इतना इतना ही मेरा सरसों है। और यहाँ पर देखिए छिम्मी का पेड़ भी इधर है, छिम्मी का जो खाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए छिम्मी का पेड़ भी है। और फ्रेंड्स मेरा जो खेत है ना, इस वो बांस से इधर ही है, वो जो बना हुआ है उससे इधर ही है। और वो जो बीच में गैप लग रहा है ना, उससे इधर ही है मेरा खेत। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आलू का भी मतलब लगा, आलू भी यहाँ पर है। मैं आया था आलू खनने के लिए। तो आप लोगों को मैं अपने खेत की मतलब कि ब्लॉग दिखा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बहुत सारा आलू पड़ा है। तो आप लोग भी अगर खाना चाहते हैं इस आलू को, तो प्लीज़ ब्लॉग को सपोर्ट करें।